सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो बना दे सारे बिगड़े काम, माँ के चरणों में होती हैं चारों धाम। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। दुनिया में ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि यहाँ चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। आज का पंचांग 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 5:25 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:41 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 11:41 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को दुर्गाष्टमी व्रत महानवमी और दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की कृपा बनी रहे। कुंभ राशि 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके करियर में दिलचस्प संभावनाएं होगी। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आज आप अपने रोजाना कामों में से कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे। जीवन में दो लोग असफल होते हैं, जो करते हैं ये सोचते नहीं और जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। आपकी कमाई में आज बढ़ोतरी होगी। आपको आज कहीं से अचानक से धन लाभ, लव लाइफ आज आप प्रेमी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में भी आज के दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। आपको आज नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का बदलाव अधिक रहेगा। कारोबारी जातक भी आज व्यस्त रहेंगी, लेकिन कमाई अच्छी होने से मन प्रसन्न भी रहेगा। आज के दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ने से खुशी होगी। इनकम पर पूरा ध्यान देंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी, क्योंकि जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपकी काफी सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएगी, जिसको लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा ध्यान देना होगा, जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। आत्मविश्वास बनाकर रखने से आप अपने कार्य या गतिविधियों में सुधार ला सकते हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी आज राहत मिलेगी। व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। सिर्फ आपको हर पहलू पर उचित तरीके से काम करने की जरूरत है। अनेक लोगों के साथ जुड़े रहने के बाद भी अकेलापन महसूस हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव न होने से निराशा होगी। न चाहते हुए भी कुछ लोगों के साथ अपने जीवन की तुलना करने से तनाव हो सकता है। आज का दिन भावनात्मक रूप से तकलीफदायक महसूस होगा। जो बातें खुशियां देती है उन पर थोड़ा ध्यान दें। महिलाओं को काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र से दूर रहना होगा। परिवार और पार्टनर के बीच के चल रहे विवाद को सुलझाना ठीक है। सावधानियां, किसी भी तरह के राजनीति से खुद को दूर ही रखें तो अच्छा है। साथ ही रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। भावना और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं।
अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें, यात्रा करते समय अपना सुव्यवस्थित कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकालें और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ें। सहकर्मियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें। अब समय गंभीर होकर अपने रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपने व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय आप अपने साथी के साथ भी बिताएं, ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेदों को भुला सकें। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकती हैं। यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रसंग के रिश्तों से हटकर होगा, वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके मन में थी उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने प्रयासों को तेज करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपनी परियोजना के सफलतापूर्वक अंत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे कि आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकती हैं। आपको इस व्यापार में अपने परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालेंगी। कला लेखन विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए इस ओर अधिक ध्यान न दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपनी काम की ओर लगाएं। यह समय अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भावुक होने से बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपनी फैसलों के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से पीछे न हटें। व्यवसायिक तथा मार्केटिंग सभी काम योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे। काफी समय से रुकी हुई कोई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन जल्दी लाभ कमाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को ना अपनाएं। सरकारी सेवारत लोगों को नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलेगी। बिगड़े कार्य सुधारने में समय बीतेगा, रूठे को मनाने में सफल होंगे। नौकरी में धन की कमी हो सकती है, शाम तक सुधार हो सकता है। संतान से सहयोग प्राप्त होगा और विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। कारोबारी लाभ में रहेंगे। बात करती हैं सेहत की। अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव सी उलझनों में फंस कर रह जाएंगे, जिसका आपको कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती है। टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। आज का उपाय। आज आप लौंग और कपूर में पीला फूल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।